मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे। और बात होती है तो कहना यही है, आप लोग सुनिएगा, कि दिल के कोने में तेरी याद बसाए बैठे हैं और न जाने क्या क्या इस दिल में छुपाए बैठे हैं, दूर से ही सही वो हमसे पूछे तो जरा, हम उनसे मिलने की आस आज भी लगाए बैठे हैं। बात श्रृंगार की हो रही है तो बात श्रृंगार की ही करूंगी और अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे तालियों में एक बार बता दीजिएगा मेरे उत्साह के लिए, ताकि मेरा उत्साह आपके बीच और बढ़ जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं है, लगता है कि मैं मुर्दों के बीच में काव्य पाठ कर रही हूँ। अपनी बात आगे कहती हूँ। कभी सावन की बदली हो, कभी फागुन की मस्ती हो, कभी सावन की बदली हो, कभी फागुन की मस्ती हो, कभी तरह पीह को तरसती हूँ, कभी प्यासे पपीहे की तरह पीह को तरसती हूँ, कभी मैं मोम पत्थर फूल कांटा और शबनम हूँ, कभी मैं मोम पत्थर फूल किसी के दिल में रहती हूँ, किसी से दूर रहती हूँ, किसी के दिल में रहती हूँ, किसी से दूर रहती हूँ। हवा तो आती कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। गर्मी जी में शायद ये आपका प्रश्न मार्क चिन्ह हो सकता है, जागरण तक पहुंच जाए और अगली बार शायद वो यही व्यवस्था कर दे। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं काशी नगरी से चल के इस पवित्र भूमि में, माँ सीता की जन्म भूमि में यहाँ आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मैं पहली बार आपके बीच यहाँ आई हूँ, इस सरजमी पे आई हूँ। माँ सीता के चरणों में मैं नभिभाष श्री नमन करती हूँ और जो माँ भगवती ने मुझे दिया है, जो मेरे पास है, वो मैं आपके बीच पे रखने की कोशिश करूंगी। कहीं त्रुटियां हो जाए, कहीं गलतियां हो जाए तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी। पीछे वाले बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मंच से मैं देख रही हूँ काफ़ी खामोशी है इस प्रांगण में, लेकिन मेरी जो बातें आपको अच्छी लगे, आपके दिल को अच्छी लगे तो मुझे तालियों में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से मंच से तो बोल सकती हूँ पर आप वहाँ से बोल नहीं सकते हैं, इसलिए तालियों में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी नज़रें सब पर हैं। और थोड़ी सी भूमिका अपने लिए बनाने की कोशिश करूंगी। बड़े ही डॉक्टर साहब जी ने मुझे अदब के साथ बुलाया और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तब मैं अपने लिए कहना चाहूंगी कि हमारी आँख में अगर काजल न होता, मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गज़ल की बातें करूँगी, ज्ञान की बातें आपने बहुत सुन ली, थोड़ा सा श्रृंगार के रस में भी रंग जाइए। नव रस में एक श्रृंगार आता है तो उसमें मैं रंगने की कोशिश करूँगी कि हमारी आँख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। हमारी आँख में थोड़ा सा आप लोग जिंदा हो जाइए, क्योंकि बहुत खामोशी है, तो मैं माहौल में थोड़ी सी गर्माहट लाना चाहती हूँ कि हमारी आँख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता,
उठा लेता मुझे कोई किसी दिन जो मेरे नाम का बादल न होता। नहीं तो ये इशारा किसके तरफ कर रहे हैं ये तो क्लियर बताओ, इशारे बात तो हो ही तुम किसके अब तरफ? अब मेरा समझदार को समझदार है। देखो विभश्री ऐसा है कि हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है। अरे ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है, तू इतना जवान थोड़े है। वैसे भी कहा जाता है कि मन हमेशा जवान रहता है और तन बूढ़ा होता है, तो कम से कम मन को जवान रहने दे, उसी में ही आनंद है। आप भी आनंद लेते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तब मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगी इस माइक के जरिए, और कैमरा वाले भैया बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गुजारिश है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा बनाइएगा। क्या बात है, चलो एक तो श्रोता मिला तुम्हारा वीडियो वाला। जी नहीं, तीन तीन कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप मेरा वीडियो बनाइएगा। हाँ। क्योंकि आपका यही प्रेम ही मुझे कामयाब बनाएगा। कभी कभी अपनी खुद की पहचान बताने के लिए खुद को बताना पड़ता है। इसको ऐसा शूट करो कैमरामैन जी, इसको ऐसा शूट करो या तो ये पूजा भट्ट दिखे या आलिया भट्ट दिखे। जी क्या करें गुरुदेव जी, आजकल का जमाना ही वही है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, सुनिएगा। पहली बार आपके बीच में आई हूँ, थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना। अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना। हमें मुसाफिर नया समझ कर, मलाल दिल से निकाल रखना। हमें मुसाफिर नया समझ कर, मलाल दिल से निकाल रखना। जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे, उसी जगह पर खड़े मिलेंगे। जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे, उसी जगह पर खड़े मिलेंगे। अगर वफा पर यकीन आए, अगर वफा पर यकीन आए, तो जरूर खुल कर सवाल करना। अगर वफा पर यकीन आए, तो जरूर खुल कर सवाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात अगर श्रृंगार की होती है तो मैं श्रृंगार की तरफ बढ़ते हुए आपको उस डगर पे लेके चलना चाहूंगी। कहना चाहूंगी कि